अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात ज्योति। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, बोन आज हमारा टॉपिक है वो हमारे पास बोन मैरो से रिलेटेड है। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में सरफेस मार्किंग ऑफ बोन हो चुकी है और उससे अलावा जो बोन्स के इंट्रोडक्शन है और क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स है, सो ये सारे टॉपिक जो है रीजनल क्लासिफिकेशन है या फिर उसके अलावा जो हमारे पास शेप से रिलेटेड क्लासिफिकेशन है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेरे चैनल पे सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, बोन्स एनाटॉमी के नाम से आपको मिलेगा। सो उसमें पार्ट्स में जो है वो डिस्कस हो चुके हैं, सब सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। अब जो हमारा टॉपिक है वो बोन मैरो से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर वन है स्नेल एनाटॉमी का। सो आज हम लोग इसे डिस्कस करते हैं बोन मैरो को। बोन मैरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू फिजियोलॉजी, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको एनाटॉमी में इसको ज्यादा करना पड़ेगा। एक्चुअली बोन मैरो में क्या है, हमारे पास रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट्स वगैरह की क्या होती है, बेसिकली उनकी यहां पर आके फॉर्मेशन होती है, मीन्स की उनकी प्रोडक्शन होती है। और हीमोपैटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो कि आगे चल के डिफरेंट काइंड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स वगैरह में जो है वो चेंज होते हैं, तो उनकी फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन स्नेल में जितना दिया गया एटलीस्ट वो आप लोगों को आना चाहिए। बोन मैरो, बोन मैरो ऑक्यूपाइज द मैरो कैविटी इन द लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन्स एंड द इंटरस्टाइटिस ऑफ द कैंसिलियस बोन्स इन फ्लैट एंड द इरेगुलर बोन्स। एक्चुअली बोन्स मैरो हमारे पास कहां पे होती है, एक्चुअली जो हमारी लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो कैंसिलियस बोन्स होती हैं लाइक फ्लैट और इरेगुलर बोन्स होती हैं, उनके अंदर हमारे पास मैरो कैविटी होती है। उस मैरो कैविटी के अंदर हमारे पास बोन्स, बोन मैरो पाई जाती है। देखो ये यहां पर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये हमारे पास बोन है, ठीक है, ये एक बोन है, यहाँ पे मेडुलरी कैविटी होती है, यहाँ पे एक मेडुलरी कैविटी होती है बोन्स के अंदर। सो इस मेडुलरी कैविटी के अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाई जाती है। द मेडुलरी कैविटी इज फिल्ड विद रेड और येलो बोन मैरो। सो यहाँ पे देखो मेडुलरी कैविटी में क्या पाई जा रही है, बोन मैरो पाई जा रही है यहाँ पे, जो मेडुलरी कैविटी है। अब ये मेडुलरी कैविटी फ्लैट बोन्स में भी होती है, इरेगुलर बोन्स में भी होती है, लॉन्ग बोन्स में भी होती है, शॉर्ट बोन्स में भी होती है। सो इस कैविटी के अंदर हमें क्या मिलता है, बोन मैरो मिलती है, ठीक है। एट बर्थ द मैरो ऑफ ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी इज रेड एंड हीमोपोएटिक। अच्छा, बर्थ के वक्त ये बोन मैरो होती है, जो तमाम बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होती है वो हमारे पास रेड होती है और हीमोपोएटिक होती है। हीमोपोएटिक मीन्स कि ये स्टेम सेल होता है जहां से फर्दर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन होती है। दिस बोन फॉर्मिंग एक्टिविटी ग्रेजुअली लेसन विद एज एंड द रेड बोन मैरो इज रिप्लेस्ड बाय येलो बोन मैरो। अच्छा, जब एज के फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं, जब एज इंक्रीज होती है, तो ये रेड बोन मैरो जो है वो व्हाइट येलो बोन मैरो में चेंज हो जाती है, ठीक है। एस ये किसकी वजह से होती है, फैट की डिपोजिशन वगैरह की वजह से होता है। एट 7 ईयर्स ऑफ एज येलो बोन मैरो बिगिंस टू अपियर इन द डिस्टल बोन्स ऑफ द लिम्स। अब क्या होगा, देखो यहां पे क्या कह रहा है, इसका मकसद क्या है, देखो जब बर्थ होती है ना उस वक्त हमारी हर बोन के अंदर रेड बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है, और हेमोपैटिक स्टेम सेल्स होते हैं, मीन्स के हर बोन जो है वो रेड सेल्स की प्रोडक्शन कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, एट 7 इयर्स ऑफ एज रेड बोन मैरो जो है वो येलो बोन मैरो में चेंज हो जाती है, एंड येलो बोन मैरो बिगिंस टू अपियर इन द डिस्टल बोन्स ऑफ द लिम्स। और जो लिम्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्स की बोन्स है, उनके डिस्टल एंड्स पे ये येलो बोन मैरो जो है अपेयर होना शुरू हो जाता है। दिस रिप्लेसमेंट ऑफ मैरो ग्रेजुअली मूव्स प्रोक्सिमली। अब फिर ये ग्रेजुअली प्रोक्सिमली मूव करेगा ये येलो बोन मैरो, सो दैट बाय द टाइम द पर्सन बिकेम्स एन एडर, रेड बोन मैरो इज रिस्ट्रिक्टेड टू द बोन्स ऑफ स्कल्स, वर्टिबल कॉलम एंड द थोरेसिक केज, द ग्रिडल बोन्स एंड द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड फीमर्स। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होगा कि रेड बोन मैरो सिर्फ और सिर्फ हमें कहां पे मिलेगा, स्कल में मिलेगा, वर्टिबल कॉलम में मिलेगा, थोरेसिक केज में मिलेगा, ग्रिडल्स की बोन्स में मिलेगा लाइक शोल्डर ग्रिडल्स की बोन्स में, और ह्यूमरस में एंड फीमर्स में मिलेगा। इसके अलावा हमें रेड बोन मैरो कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सब बोन्स के अंदर येलो बोन मैरो जो है वो उसकी फॉर्मेशन होना, उसकी डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आगे क्या है, ऑल बोन सर्फेसेज अदर देन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज आर कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द पेरिओस्टियम। तमाम बोन्स की सर्फेसेज सिर्फ और सिर्फ जो है वो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस के अलावा सब जो है वो किससे कवर होती है, एक थिन लेयर होती है फाइब्रस टिश्यू की, जिसे हम लोग पेरिओस्टियम कहते हैं। द पेरिओस्टियम हैज एन अबंडेंट वस्कुलर सप्लाई, पेरिओस्टियम की एक अबंडेंट वस्कुलर सप्लाई होती है, एंड द सेल्स ऑन इट्स डीपर सर्फेस आर ऑस्टियोजेनिक, और जो उसके सरफेस डीपर सरफेसेस पे सेल जो होते हैं वो ऑस्टियोजेनिक होते हैं। ऑस्टियोजेनिक का मतलब होता है जो कि फॉर्मेशन ऑफ द बोन की फर्दर फॉर्मेशन करवाते हैं, उसके अंदर ऑस्टियोलॉजी का प्रोसेस करवाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ बोन करवाते हैं, ठीक है, बोन को हार्ड करने का जो प्रोसेस होता है। द पेरिओस्टियम इज पर्टिकुलरली वेल यूनाइटेड टू बोन एट साइज वेयर मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। जो पेरिओस्टियम होता है वो
पर्टिकुलरली क्या होती है, यूनाइटेड होती है बोन्स के साथ उस साइड के ऊपर जहां पे मसल्स, टेंड और लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन के साथ आके अटैच्ड होते हैं। बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स नोन एज शार्पीज फाइबर्स एक्सटेंड फ्रॉम द पेरियोस्टियम इनटू द अंडरलाइंग बोन। अच्छा, शार्पीज फाइबर डिफरेंट काइंड के कोलेजन, बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स को शार्पीज फाइबर्स कहते हैं, वो एक्सटेंड कहां से करते हैं, पेरियोस्टियम से लेके अंडरलाइंग बोन तक वो जाते हैं। ठीक है, द पेरियोस्टियम रिसीव अ रिच नर्व सप्लाई एंड इट्स वेरी सेंसिटिव। और पेरियोस्टियम जो होती है उसे रिच नर्व सप्लाई उसे मिलता है और वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। सो बोन मैरो से रिलेटेड ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी है। कोई आपसे एनाटॉमी ऑफ बोन मैरो नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता, ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है। जो जब आप फिजियोलॉजी करेंगे तो उस वक्त बोन मैरो का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको बताया गया कि रेड बोन मैरो क्या होती है, येलो बोन मैरो क्या होती है, और जो यहाँ पे आपको बताया कि बोन मैरो जो रेड बोन मैरो है वो हमारे पास सबसे पहले तो एट दी एज ऑफ जब हम बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त तो हर बोन में रेड बोन मैरो होती है और वहां पे जो है सेल की प्रोडक्शन का काम हो रहा होता है, मींस के व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स और ये सारे बोन सेल्स जो है वो बन रहे होता है। लेकिन जैसे ही ग्रेजुअली बच्चा जो है वो बड़ा होता है और 7 साल की उम्र के बाद होता है तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट बोन्स के अंदर हमारे पास वो रेड बोन मैरो जो है वो येलो बोन मैरो में चेंज हो जाती है। ठीक है, और फिर वो येलो बोन मैरो जो है वो हमारे पास प्रोडक्शन नहीं करवाती रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट्स वगैरह की, उसमें हीमोपोएटिक जो भी प्रॉपर्टीज है वो नहीं होता और हीमोपोएसिस का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, और फिर वो बोन्स मैरो कहां तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, रेड बोन मैरो फिर सिर्फ हमें स्टर्नम में, रिब्स में, इलियक क्रेस्ट में, वर्टिब्रा में, स्कल्स की बोन्स में, लाइक अगर हम बात कर लें जो स्नेल में कही है तो हम सिंपल कहेंगे कि स्कल में मिलती है, वर्टिब्रा कॉलम में मिलती है, थोड़ा से केज में मिलती है, ग्रिडल्स की बोन्स में मिलती है और उसके अलावा हमें जो है वो हेड फीमरस एंड फीमर में मिलती है, मीन्स कि यहां से अब सिर्फ सेल्स की प्रोडक्शन होगी। सो आई होप बोन मैरो का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूं, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टेटर अल्लाह हाफिज़ गाइज़।